मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? हाँ, तो बच्चों आप सभी दूसरी कक्षा में हो और हमने हमारा पाठ क्रमांक 15 संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन इन दोनों की अच्छे से पहचान की थी। ठीक है? हाँ, इससे पहले हमने संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन इन दोनों का अध्ययन किया था। हाँ, तो आज हम इन दोनों के ऊपर निर्धारित यानी संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन इन दोनों के ऊपर निर्धारित एक कहानी देखने वाले हैं और हमारी कहानी का नाम है चटोरी चट्टन। क्या है हमारी कहानी का नाम? हाँ, चटोरी चट्टन। तो बच्चों चलो अपना किताब निकालो और उसमें से पेज नंबर 83 ये निकालो सर। हाँ, तो ये निकालते ही आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई देगा। यहाँ पे यह लाल किले का चित्र है और एक यहाँ पे कौन है? गोलगप्पे वाला है। हाँ, और एक औरत उसकी छोटी बेटी के साथ, लड़की के साथ क्या कर रही है? यहाँ पे गोलगप्पे खा रही है। तो यही आज हम कहानी देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं यह कहानी पढ़ रही हूँ तो अच्छे से आपका ध्यान आपके किताब में होना चाहिए। हाँ, तो चलो। चटोरी चट्टन। एक थी लड़की बड़ी चटोरी, नाम था उसका चट्टन। वह हमेशा कुछ न कुछ चटपटा खाने की फिराक में रहती। जो हाथ लगता चट 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 कर जाती। एक दिन दही भल्ला खाते हुए उसकी नानी बोली, चट्टन बिटिया, हमारी दिल्ली की चट्टन के क्या कहने, बस चटाचट चाटते जाओ। मुझे तो दिल्ली में सब चट्टो चट्टो कहकर चिढ़ाते थे। नानी की बात सुनकर चट्टन का मन दिल्ली की चाट खाने का करने लगा। वहां मम्मी के साथ दिल्ली की चाट खाने गई। दिल्ली वाली बस ने लाल किले पर उतारा। बस के पास ही गोलगप्पे वाला खड़ा था। चट्टन से रवाना गया। उसने मम्मी से कहा, मम्मी गोलगप्पे खिला दो। मम्मी ने उसे गोलगप्पे खिलाए। गोलगप्पे वाले ने 20 रुपए मांगे। मम्मी ने उसे 10-10 रुपए के 2 सिक्के दिए। गोलगप्पे खाकर चट्टन पहुंची चांदनी चौक। वहां चाट की दुकान पर बच्चे बड़े चाट खा रहे थे। तरह तरह की चाट देखकर चट्टन की लार टपकने लगी। इसके आगे आप पेज टर्न करो। हाँ, किया सकते हैं। चट्टन ने अपने लिए आलू की छोले वाली कुरकुरी टिक्की सिखवाई। मम्मी ने आलू की चाट ली। चाट वाले ने पत्तों के दोनों में चाट बना कर दी। टिक्की में मसाला था तेज। चट्टन करने लगी सी सी। मम्मी ने उसे पानी दिया। तेज मसाले से चट्टन की आंखों से आंसू निकल आए। मम्मी को हंसी आ गई। मम्मी ने उसे एक दोनी में 2 रसगुल्ले दिलवाए। चट्टन ने एक रसगुल्ला खाया। एक रसगुल्ला लुढ़क कर नीचे गिरा। कुत्ता ताक में खड़ा था, लपक कर रसगुल्ला खा गया। एक बच्चा चिल्लाया, कुत्ता कुत्ता खा गया रसगुल्ला। कुत्ता पूंछ दबाकर भाग गया। लोग हंस पड़े। खा पी कर मम्मी ने नानी के लिए चाट पैक करवाई।
बस पकड़ ली, मधुर अथैया। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रही है आपको? हाँ, यह चाट की दुकान दिख रही है। यहाँ पे चाट और भल्ले इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे चाट खा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कुत्ता है जो ताक में खड़ा है। हाँ, और ये औरत अपनी छोटी बेटी को चाट खिलवा रही है। ये दो आदमी इधर बैठे हुए हैं। इस तरह से ये चाट की दुकान का चित्र है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने हमारी चटोरी चट्टन यह कहानी देखी। हमारी कहानी का नाम है चटोरी चट्टन। तो इस कहानी में बहुत सारे संयुक्ताक्षर आपको दिखाई देंगे और संयुक्त व्यंजन का भी आपको इसमें इस्तेमाल दिखेगा। तो बच्चों यह कहानी जो है ये आपको दो बार अच्छे से पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? दो बार। ठीक है, तो ये कहानी मैं आपको अभी समझाती हूँ। चट्टन नाम की एक छोटी सी लड़की थी जो आपकी तरह, ठीक है, बहुत ही चटोरी थी। ठीक है, तो चटोरी यानी थोड़ी सी नटखट। ठीक है, और उसकी जो नानी थी उसे बहुत जो चाट रहती है यानी कि गोलगप्पे या दही भल्ला और कुरकुरी टिक्की, ये सब जो चटपटे पदार्थ रहते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते थे। ठीक है बच्चों, हाँ, तो वो नानी उससे कहती है कि मैं तेरी उम्र की थी जब छोटी थी तो बहुत सारी चटपटी ये चीज़ें खाती थी। हाँ, और मुझे सब चटपटी चीज़ें खाने के लिए सब चिढ़ाते थे। क्या कहते थे? चट्टो चट्टो, इस तरह से मुझे वो सब चिढ़ाते थे। ठीक है बच्चों, और अब ये सब सुनकर क्या हुआ, चट्टन के मुंह से लार टपकने लगी। उसको लगने लगा कि अब हम मुझे क्या करना है, दिल्ली की चाट खानी ही है। हाँ, इसीलिए उसने मम्मी के साथ वो चाट खाने गई, और चाट खाते ही वो पहले कहाँ पहुंची, वो पहले पहुंची लाल किले। ठीक है, लाल किला यह दिल्ली में। लाल किले के पास जाने के बाद वहां पर जो गोलगप्पे वाला था उससे उसने गोलगप्पे मांग कर खाए। मम्मी उसने मम्मी से कहा मुझे गोलगप्पे चाहिए खाने के लिए, तो मम्मी ने उसे गोलगप्पे खिलवाए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, लाल किले से वह चांदनी चौक गए। ठीक है, और चांदनी चौक में वह अब कहाँ पे थे, दुकान में थे। तो दुकान में थे, उन्होंने चाट खाई, और चाट खाने के बाद उन्होंने रसगुल्ले भी खाए। ठीक है, तो इस प्रकार रसगुल्ला चट्टन के पास दो रसगुल्ले थे, जो एक लुढ़क कर गिर गया तो एक छोटा कुत्ता वहां पर था जो वो फिराक में था, ताक में था, और उसने वो रसगुल्ला खा लिया। इस तरह से चट्टन और उसकी मम्मी दोनों ने मिलकर चाट खाया। इसके बाद घर वापस आते समय उन्होंने क्या किया, हाँ, घर वापस आते समय उन्होंने नानी के लिए चाट पार्सल करवाई, यानी कि नानी के लिए वो चाट पैक करवाई। ठीक है, पार्सल करके ले ली। इस प्रकार हमें मधुर अथैया यह जो लेखक है इन्होंने ये कहानी लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो कहानी आपके समझ में आई होगी, है ना? हाँ, तो अभी यह कहानी आपको दो बार पढ़नी है। ठीक है, हाँ, और पढ़ते समय आपको क्या करना है, हाथ में पेंसिल लेनी है, और जहाँ जहाँ पर आपको संयुक्ताक्षर और संयुक्त वर्ण दिखाई देंगे इनके नीचे आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो यह कहानी पढ़ने के बाद हमारी बारी आती है अभ्यास छुड़ाने की। हाँ, तो हमारा पहला प्रश्न है, अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है बताओ और लिखो। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, नानी क्या खा रही थी? नानी दही भल्ला खा रही थी।
लिए जवाब मैंने लिख कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये सवालों के जवाब आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। हाँ, अच्छे सुंदर हस्ताक्षर में। हाँ, और इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, आप बाजार में क्या क्या खाना पीना पसंद करते हो? छह चीजों पर टिक लगाओ। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है, कुछ चटपटी है, बहुत सारी चटपटी है जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपको सिर्फ कितनी चीजों पर टिक करनी है? छह चीजों पर, यानी कि सिक्स। ठीक है, सिक्स चीजों पर, यानी कि छह चीजों पर आपको सिर्फ टिक करनी है। ठीक है बच्चों, हाँ वैसे आपको यह अभ्यास आपके कॉपी में छुड़ाना है। हाँ तो बच्चों, आज हमने हमारे जो हमारा पाठ क्रमांक 15 है, संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन, इसमें चटोरी चट्टर इस कहानी का अध्ययन किया। यह कहानी आपको दो बार अच्छे से पढ़नी है। हाँ, और संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है पेंसिल से। और ये जो हमारे पांच सवालों के जवाब है, ये सुंदर हस्ताक्षर में अपनी कॉपी में लिखने हैं। हाँ बच्चों, तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ाई करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।